हेलो स्टूडेंट्स हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही है ऑब्जेक्टिव में उसमें ये वीडियो में हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं तो बेटा पहले मैं क्या करता हूँ बिफोर आई एक्सप्लेन लेट मी एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव हैं जो उन दोनों से कनेक्टेड है ठीक है मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो एग्जाम्पल लेते हैं अनिल ने सुनील को गुड्स बेचा ठीक है अनिल ने सुनील को गुड्स बेचा तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अनिल कि जो क्रेडिटर है जिसको पैसे लेने हैं वो बिल ड्रॉ करता है बिल ड्रॉ करता है मतलब बिल ड्रॉ करता है लिखता है उसमें सब कुछ डिटेल और फिर वो बिल सुनील को देता है कि बेटा इस पे साइन कर इस पे लिखा हुआ है कि तू मुझे तीन महीने बाद पैसे देगा तो सुनील उसको साइन करता है तो पहले ये ड्रॉअर हुआ ड्रौर। उसने बिल बनाया किसने अनिल ने सुनील ने बिल एक्सेप्ट किया सुनील ने बिल एक्सेप्ट किया क्यों क्योंकि उसने गुड्स लिए थे एंड ही इज टू द टर्म्स तो सुनील जो है वो हो गया ड्रॉई ठीक है अब अनिल ने वो जो ड्राफ्ट है सुनील के साइन करने के पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्राफ्ट बोला जाता है तो जो ड्राफ्ट है उसमें अनिल ने लिखा है सुनील को देते हुए, सुनील को को ऑर्डर ऑर्डर देते देते हुए, हुए कि मंथ्स आफ्टर द डेट पे मी और माय ऑर्डर यानी ड्यू डेट पे या तो अनिल पैसे लेने जाएगा सुनील के पास या फिर अनिल किसी और को दे देगा तो वो बंदा जाएगा सुनील के पास सुनील मना नहीं कर सकता है क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया है कि तीन महीने बाद या तो वो अनिल को पैसे देगा या किसी और को तो वो जो कोई और बंदा है इधर नीचे लिखता हूं, उसको बोलेंगे पेई पेई पे मतलब फाइनली जो पर्सन पैसा कलेक्ट करता है हो सकता है वो अनिल खुद हो या हो सकता है वो अनिल ने ऑर्डर दिया हुआ कोई और बंदा हो ठीक है ना तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज होती है ड्रॉर ड्रॉई और पेई Pay हो सकता है अनिल खुद हो या फिर अनिल ने वो बिल किसी और को एंडोर्स कर दिया हो तो कोई और हो ठीक है सेम एग्जाम्पल अगर मैं लू कि अनिल ने सुनील को गुड्स बेचा है और अनिल ने सुनील को गुड्स बेचा है और सुनील खुद एक प्रॉमिस देता है आई प्रॉमिस टू पे बेरर कौन लिख रहा है सुनील लिख रहा है आई प्रॉमिस टू पे दैरर और हीज ऑर्डर ठीक है तो इधर प्रोमिसरी नोट हो गया क्योंकि सुनील खुद प्रॉमिस दे रहा है तो कोई ड्रॉर नहीं है यहां पे ऐसा नहीं है अनिल ने बनाया फिर सुनील ने साइन किया सुनील खुद ही लिख के भेज रहा है तो सुनील एक बंदा है प्रोमिसरी नोट में जिसने जिसको बोलते हैं इश्यूअर ड्रॉर इज नॉट द राइट वर्ड हेयर प्रोमिसरी नोट में जो प्रोमिस दे रहा है उसको इश्यूअर बोलते हैं और दूसरा एक पर्सन होता है पेई अगेन पेई हो सकता है अनिल हो या कोई और हो पर यहां अनिल को हम ड्रॉअर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अनिल ने प्रॉमिस या बिल ड्रॉ ही नहीं किया है तो दो बंदे हैं एक सुनील है जो इश्यूअर है और दूसरा है पेई जो फाइनली पैसे लेगा अगेन वो अनिल हो सकता है या कोई और हो सकता है तो एक दो क्वेश्चन अभी से सॉल्व कर लेते हैं कि बिल एक्सेप्ट करने के पहले वो ड्राफ्ट होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करने के पहले वो ड्राफ्ट होता है सुनील जब एक्सेप्ट करता है तो या तो वो अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर सकता है जितने भी टर्म्स लिखे हैं वो पहले से अग्रीड हैं तो कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता है तो वो साइन करके दे देता है अनिल को या फिर वो क्वालिफाई कर सकता है कुछ क्वालिफाइड एज टू अमाउंट क्वालिफाइड एज टू पीरियड या क्वालिफाइड एज टू प्लेस ठीक है कि मैं पचास हजार मैं आपको बॉम्बे में दूंगा मैं कहीं और नहीं दूंगा समथिंग लाइक दैट सो इट्स कॉल्ड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ठीक है एक्सेप्टी नोट में सिर्फ दो पार्टीज होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज होती हैं दोनों के दोनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है अंडर सेक्शन सॉरी अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ओके चलिए सेक्शन का हमें अकाउंट्स में कुछ काम नहीं है तो ये बैकग्राउंड के बाद हम अभी सॉल्व करने का स्टार्ट करते हैं द पर्सन ऑन होम बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड तो जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया हमारे एग्जाम्पल में सुनील इज कॉल्ड ड्रॉई बिफोर एक्सेप्टेंस द बिल इज कॉल्ड ड्राफ्ट देखो काफी सारी चीजें ऑलरेडी कवर हो गए वेन द ड्यू डेट ऑफ द बिल फॉल्स ड्यू ऑन पब्लिक हॉलीडे पब्लिक हॉलीडे मतलब जो पहले से पता है पेमेंट मस्ट बी मेड ऑन द प्रिस एग्जाम्पल फिफ्टींथ ऑगस्ट को अगर ड्यू होता है तो एक दिन पहले यानी कि फोर्टीन अगस्त को पे करना पड़ेगा तो प्रिसीडिंग डे द ड्यू डेट ऑफ द बिल ड्रॉन फॉर टू मंथी थर्ड नवंबर विल बी थर्ड नवंबर दिया है तो नवंबर से दिसंबर एक महीना दिसंबर से जनवरी दो महीना ट्वेंटी थर्ड जनवरी को ड्यू डेट आता है पर थ्री डेज ऑफ ग्रेस मिलते हैं तो ट्वेंटी सिक्स जनवरी ड्यू डेट होता है लीगल ड्यू डेट और एक दिन पहले पे करना पड़ेगा बिकॉज ट्वेंटी सिक्स इज अ पब्लिक हॉलीडे तो ट्वेंटी फिफ्थ पर ईयर चेंज होगा बेटा ट्वेंटी ट्वेंटी होगा नोटिंग चार्जेस आर आर बाय बाय ड्रॉई अगर बिल डिजॉनर होता है तो फाइनली ड्रॉई के कारण है ड्रॉई ने अपना प्रॉमिस दिया था जो डिजॉनर हो गया तो ही हैज टू फाइनली बेर इट वो खर्चा उसे भुगतना पड़ेगा देर आर डैश पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज थ्री पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज हमने कर लिया है ऑलरेडी वेन बिल इज ड्रॉन फॉर टू मंथर से दो महीना मतलब February और March, और मार्च फिर दिन ऐड करेंगे तो सिक्स ऑफ मार्च 2020। नोटरी पब्लिक इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर अगर कोई बिल डिजॉनर होता है तो वो डिजॉनर का जो फैक्ट है वो फैक्ट अगर किसी नोटरी पब्लिक के पास जाके रजिस्टर करवा दिया तो आगे फ्यूचर में एक लीगल एविडेंस जैसा हो जाता है ठीक है वेन एक्सेप्टर और ड्रॉर डज नॉट पे द अमाउंट ऑफ द बिल टू द होल्डर ऑन ड्यू डेट इट इज नोन एज इट इज नोन एज डैश द बिल वेन द एक्सेप्टर और ड्रॉ ही होना चाहिए डज नॉट पे द अमाउंट ऑफ द बिल टू द होल्डर ऑन ड्यू डेट इट इज नोन एज डिजॉनरिंग ऑफ द बिल ये ड्रॉ ही होना चाहिए ओके द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल ट्रीट द बिल एस तो अगर सुनील है हमारे एग्जाम्पल में जिसने बिल एक्सेप्ट किया है तो उसके लिए बेटा वो बिल्स पेबल होता है ठीक है गिव वन वर्ड थ्री डेज थ्री एक्स्ट्रा डेज विच आर अलाउड ओवर एंड अबव द टर्म ऑफ द बिल इसको ग्रेस पीरियड बोलते हैं ग्रेस डेज बोल सकते हो या ग्रेस पीरियड फीस चार्ज बाय नोटरी पब्लिक फॉर गेटिंग द फैक्ट ऑफ डिजॉनर नोटेड इसको नोटिंग चार्जेस बोला जाता है बेटा अ पर्सन हु इज एंटाइटल टू रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इसको होल्डर बोल सकते हैं या होल्डर इन ड्यू कोर्स भी बोल सकते हैं अ पर्सन इन हु बिल इज एंडोर्स्ड इसको एंडोर्सी बोलते हैं बेटा जिसको बिल एंडोर्स किया है जैसे अनिल है तो अनिल ने वो बिल किसी और को हैंड ओवर किया कि जाके तू पैसे लेके आ तो वो पर्सन को बोलते हैं एंडोर्सी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट फॉर नोटिंग ऑफ डिजॉनर ऑफ बिल इसको अभी ऊपर किया बेटा नोटरी पब्लिक बोला जाता है इसको कैंसलेशन ऑफ बिल

कोमोडेशन बिल ओके तो यह याद रखना पड़ेगा बेटा इसके सम हमने नहीं किए हैं क्योंकि सम हमारे सिलेबस में नहीं है अकोमोडेशन बिल पर्सन हु इज इन पजेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इसको भी होल्डर ही कहा जाता है कन्वर्जन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इन टू इट्स प्रेजेंट वैल्यू तो अगर वो बिल जो साइन करके दिया है मुझे यानी कि अनिल को पैसे की जरूरत है तो बैंक में जाके मैं बिल को डिस्काउंटिंग कर सकता हूं बिल के बदले पैसे अभी बैंक मुझे दे देगी तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम ड्रॉई ऑन अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी इसको बैड डेट कहते हैं बैड डेट इनलैंड बिल्ड

पेबल इन अनदर कंट्री है तो उसे फॉरेन बिल बोला जाता है रिटायरमेंट ऑफ बिल मींस पेमेंट ऑफ द बिल बिफोर ड्यू डेट यह ट्रू स्टेटमेंट है इफ द ड्रॉई हैज मनी एंड इफ ई इज रेडी टू पे बिफोर द ड्यू डेट देन इट इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ द बिल एंड जनरली द ड्रॉई गेट्स डिस्काउंट कॉल्ड रिबेट फॉर पेइंग अर्ली ड्रॉई कैन ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ द बिल एप्सल्यूटली फॉल्स बेटा तो ड्रॉई इज नॉट द ओनर ड्रॉर बिल को ट्रांसफर कर सकता है किसी और के नाम पर ओके तो फॉल्स लिखेगा और लिखेगा ड्रॉर कैन ट्रांसफर द बिल ओनरशिप ऑफ द बिल टू संबडी एल्स ड्रॉई हैज नो राइट टू ट्रांसफर द बिल एक्सेप्टेंस ऑफ बिल विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन टर्म्स ऑफ द बिल इज कॉल्ड क्वालिफाइड एक्सेप्ट स्टेटमेंट है इट इज कॉल्ड जनरल एक्सेप्टेंस अगर अनिल ने बिल ड्रॉ किया है सुनील को सारी कंडीशन मान्य है सब कुछ अग्रीड है ठीक है साइन कर देता है तो दट इज कॉल्ड जनरल एक्सेप्टेंस अगर सुनील को चेंज करता है उसमें अमाउंट पीरियड या प्लेस देन इट इज कॉल्ड क्वालिफाइड एक्सेप्ट डिस्काउंटिंग इज अ डिवाइस टू कन्वर्ट बिल इन टू इट्स प्रेजेंट वैल्यू ट्रू है ये, अभी अभी हमने discuss किया उसका reason आप लिख लीजिएगा बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द एक्सेप्टर ऑन ड्यू डेट ये भी ट्रू है इसका मतलब क्या सो ड्यू डेट पे अनिल या उसका उसने किसी को ऑर्डर दिया वो ही विल गो टू सुनील

जब मुझे बिल मिला है मैं अनिल हूं और जब मुझे बिल मिला है तो मैंने एंट्री पास किया बी आर टू तो सुनील वेन आई हैव डिस्काउंटेड द बिल आई हैव पास एंट्री बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बी आर सो फॉर मी आई हैव रिसीव द मनी फ्रॉम सुनील है ना नॉट फ्रॉम सुनील बट फ्रॉम बैंक ऑन ड्यू डेट इफ सुनील पेज टू बैंक आई विल नॉट पास एनी एंट्री मेरा तो काम हो गया मैंने तो पैसे पहले ही ले लिए थे मुझे एक्चुअली एंट्री तब पास करना पड़ेगा जब सुनील बैंक को पैसे नहीं देता है ओके नोटिंग चार्जेस आर टू बी बॉर्न बाय ड्रॉअर। इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट नोटिंग चार्जेस आर टू बी बॉर्न बाय ड्रॉई बिकॉज ही हैज डिजॉनर्ड द बिल एंड ही हैड एक्सेप्टेड द बिल देर फॉर नोटिंग चार्जेस शुड बी बॉर्न बाय ड्रॉई इफ अ बिल इज ड्रॉन पेएबल ऑन डिमांड अलाउड no यह भी ट्रू स्टेटमेंट है मैं बताता हूं पेबल ऑन डिमांड मतलब बिल में कोई पीरियड नहीं लिखा है अनिल ने अगर बिल में ऐसा लिखा है पे टू मी और माई ऑर्डर ऑन डिमांड एंड सुनील इज साइनिंग दैट विच मीन्स सुनील इज रेडी टू पे द मनी वेन एवर अनिल प्लेसिस एंड डिमांड सो देर इज नो डेज ऑफ ग्रेस इफ इट्स अ टर्म बिल यानी कि इसमें लिखा है तीन महीने बाद में पैसे दूंगा

रिटेनिंग डिस्काउंटिंग एंडोर्सिंग ये सब एक्ट है जो ड्रॉ कर सकता है ड्रॉर कैन रिटेन द बिल डिस्काउंट या एंडोर्स तो नोटिंग ये ड्रॉर नहीं करता है ट्रेड बिल अकोमोडेशन आफ्टर डेट और डिमांड इसमें डिमांड बिल इज द मैन आउट बिकॉज पहले के तीनों जो है वो टर्म बिल होते हैं नोटरी पब्लिक ड्रॉ ड्रॉ पे तो ऑफकोर्स नोटरी पब्लिक इज एन मैन आउट ड्रॉ ड्रॉई पे ये सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पार्टीज हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस रिबेट बैंक चार्जेस नोटिंग चार्जेस ये ऑड मैन आउट है अगेन ये ओनली इन केस ऑफ डिजॉनर होता है स्टैंप एक्सेप्टेंस ड्राफ्ट और अमाउंट इसमें ड्राफ्ट इज द ऑड मैन आउट बिकॉज ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पहले होता है स्टैंप एक्सेप्टेंस और अमाउंट ये तीनों बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट है मेकिंग पेमेंट ऑफ द बिल Before the due date of maturity is known as retirement. A person whose liabilities are more than his asset and is not in a position to pay off his liability is an insolvent person. Amount that cannot be paid by acceptor. अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी इज नोन एस कैपिटल डेफिशियंसी देखो इसके पहले भी सिमिलर सवाल आया था वो क्वेश्चन ड्रॉअर के एंगल से था तो ड्रॉअर को जो पैसे नहीं मिलते हैं उसे बैड डेट कहते हैं ड्रॉई जो पैसे नहीं दे सकता है उसे कैपिटल डेफिशियंसी कहते हैं तो अमाउंट वही है पर देखने का नजरिया अलग है ओके वर्ड अलग अलग है बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर सर्टन पीरियड इज नोन एस टर्म बिल या यूजर्स बिल भी बोलते हैं ओके टर्म बिल अ बिल विच इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विथ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इज नोन एज तो दिस इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकोमोडेशन बिल इज विदाउट कंसिडरेशन ओके बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर उसे ट्रेड बिल भी बोला जाता है ठीक है ट्रेड बिल अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज ड्रॉ अ बिल हुज ड्यू डेट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इज नोन एज आफ्टर डेट सॉरी आफ्टर साइट बिल आफ्टर साइट मतलब क्या अनिल <coughs> ने बिल ड्रॉ किया और बिल में लिखा है कि जब सुनील साइन करेगा वहां से तीन महीने काउंट होंगे नॉट फ्रॉम द डे अनिल ड्रू द बिल बट फ्रॉम द डे सुनील एक्सेप्टेड द बिल ठीक है रिकॉर्डिंग द फैक्ट ऑफ डिजाइनर ऑफ बिल इज नोन एज नोटिंग वेन ड्रॉई एक्सेप्ट द बिल पेबल एट अ पर्टिकुलर प्लेस ओनली इट इज नोन एस क्वालिफाइड एस टू प्लेस क्वालिफाइड जैसे मैंने पहले बताया ना मुंबई में ही पे करूंगा तो क्वालिफाइड एस टू प्लेस फीस चार्ज बाय बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल ऑन बिहाफ ऑफ होल्डर इज कॉल्ड बैंक चार्जेस what do you mean by bill of exchange answer in one sentence so a bill of exchange is an unconditional order drawn by a drawer and accepted by a drawee for the value received by drawee what are days of grace under negotiable instrument act a bill of exchange is payable 3 days after its due date these three days are called days of grace. What do you mean by discounting a bill of exchange? Drawer going to a bank or a financial institution for taking a loan on a bill is called discounting of a bill, where the drawer gets the money earlier than the due date of the bill. What is noting of the bill? if drawee or acceptor of the bill has dishonored the bill on the due date and the drawer or the holder records this fact with notary public it is called noting of the bill what are noting charges noting charges are paid to the notary public to record the fact of the dishonor noting charges are borne by drawee what is the relationship of drawer and drawee drawer is the person who has sold goods to drawee hence drawer is a creditor and drawee is a debtor who is pay of the bill the person to whom finally the maturity amount is paid is called payee of the bill what do you mean by rebate if a bill is retired or paid before its due date then the discount received by the drawee is called rebate what is legal due date after adding 3 days to the due date the date which comes is called legal due date what is bill payable on demand a bill payable on demand is called demand bill where the period of payment is not mentioned and the drawee is bound to pay the maturity amount mentioned on the bill right on demand do you agree or disagree a bill of exchange is a conditional order no i disagree it i disagree with the above statement a bill of exchange is an unconditional order by the drawer to the drawee the party which is ordered to pay the amount is known as payee the party which is ordered to pay the amount is called payee i disagree with the above statement the party which is ordered to pay the amount is called drawee the person in whose favor the bill is to endorsed is known as endorsee. I agree. If a drawer endorses the bill to someone, that person is called endorsee. Rebate or discount given on retiring a bill is an income to the drawer. I agree. If drawer retires the bill earlier than the due date,

ये पहले डिस्कस किया रीजन आप लिख लीजिएगा अ बिल इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सेप्टेड बाय ड्रॉअर आई अ बिल इज़ रिक्वायर्ड टू बी एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई बिल इज ड्रॉन बाय अ ड्रॉअर एंड इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई अ बिल ऑफ एक्सचेंज नीड नॉट बी डेटेड आई डिस देर टू बी अ डेट ऑन द बिल ऑफ एक्सचेंज A bill before acceptance is called promissory note. Disagree. A bill before acceptance is called a draft. Renewal to request by drawee to extend the credit period of the bill. Renewal is request. Ye is request by drawee to extend the credit period of the bill. I agree if drawee is unable to make the payment then he can request the drawer to extend the period of the bill which is called a renewal where the existing bill is uh, dishonored and a new bill is drawn Chali, calculation hai. ganesh draws a bill for 40260 on 15th january 2020 for 50 days for 50 days Pandra january 2020 hai.

So I am not calculating this. my I calcipe karta mobita? 40,260 into 50 divided by 366 into 15%. That comes to 825 is the amount of discount. shifali trader drew a bill on Maya for 30,000 on 1st October. Payable after 3 months. Calculate the amount of discount in the following cases where bill is discounted on the same day on 1st November, on 1st December. थर्टी तो थाउजेंड अगर सेम डे को डिस्काउंट किया है तो बैंक विल चार्ज डिस्काउंट फॉर थ्री मंथ्स थाउजेंड ट्वेल्व परसेंट इन थ्री बाई ट्वेल्व विच विल कम टू नाइन हंड्रेड पहला केस में बेटा सेकेंड केस में थर्टी थाउजेंड ट्वेल्व परसेंट अगर फर्स्ट नवंबर को ड्रॉ किया है तो डिस्काउंटिंग पीरियड दो महीने हुआ तो टू अपॉन ट्वेल्व दैट इज सिक्स हंड्रेड And third, agar first December ko draw ki, uh, discount kiya hai, then it will be thirty thousand twelve percent for one month and that will be 300. Okay. Chali, next. <coughs> Sorry. Veena, who had accepted Sudha's bill for twenty eight, it was, de was declared bankrupt. And only 35 paise in a rupee could be recovered from her estate. Calculate the amount of bad debt. तो मैं आ, वीना के एंगल से सोच रहा हूं कि वीना को कितना पैसे नहीं मिले 35 पैसे इन अ रूपी यानी 35 परसेंट मिले तो 65 परसेंट नहीं मिले तो 28,000 एट थाउजेंड इन सिक्सटी फाइव अपॉन हंड्रेड अगेन आई एम यूजिंग कैलकुलेटर सो 18,200 आपको लिखना है अमाउंट ऑफ बैड डेट इज 18,200. नितिन रिन्यूड इज एक्सेप्टेंस फॉर 72,000 बाय थाउजेंड 22,000 इन कैश एंड एक्सेप्टिंग न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट एट एटीन परसेंट पर एनम फॉर फोर मंथ्स अब इसमें बच्चे लोग बहुत मिस्टेक करते हैं तो ड्रॉवर के पास बोला सेवेंटी टू थाउजेंड तो मेरे पास है नहीं मैं आज ट्वेंटी टू थाउजेंड लेके आया हूं कैश तो ट्वेंटी टू थाउजेंड दे दिया अब बैलेंस कितना बचा बेटा फिफ्टी थाउजेंड तो वो नया बिल सिर्फ पचास हजार के लिए बनाने वाला है प्लस इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट सेवेंटी टू थाउजेंड पे काउंट नहीं होगा इंटरेस्ट पचास हजार पे काउंट होगा तो पचास हजार एटीन परसेंट एंड फॉर फोर मंथस तो फिफ्टी थाउजेंड एटीन परसेंट इंटू फोर अपॉन ट्वेल्व तो थ्री थाउजेंड रुपीज इंटरेस्ट आता है बेटा So, amount of new bill is equal to fifty thousand plus three thousand. That is fifty-three thousand. Next, Nisha's acceptance for sixteen eight fifty sent to bank for collection was honoured, and bank charges debited were one twenty-five. Find out the amount actually received by drawer. So, sixteen eight fifty bill tha, and bank ne one twenty-five charge kiya. So, amount actually

फोर्टींथ अगस्त आ जाएगा लीगल ड्यू डेट अब लीगल ड्यू डेट अगर डिक्लेयर कर दिया इमरजेंसी तो एक दिन बाद एक दिन बाद यानी पंद्रह अगस्त नहीं एक दिन बाद मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे तो सिक्सटींथ अगस्त विल बी द आंसर सिक्सटींथस्ट अगस्त 2019 विल बी द आंसर ठीक है सो दैट ब्रिंग्स अस टू एंड ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज आई होप यू आर लर्निंग थ्रू दिस वीडियोज And as I said in the past, we are also going to record videos of math. So, do get be in touch with us and regularly watch our videos. Thank you, beta.